हेलो, नमस्कार। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके साथ हिस्ट्री और कल्चर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे जो टाइमलाइन ली गई है वो है जून 2019 से जनवरी 2020 तक की, यानी इस पीरियड के करंट अफेयर्स हम आपके साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अपना आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा दोस्तों, हमारे कुछ पेड कोर्सेज चलते हैं जहाँ पर हम लोग यूपीएससी और अलग अलग स्टेट एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, स्टडी मटेरियल देते हैं और आपको साथ साथ गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इस बारे में आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो दिए गए दो नंबर से किसी भी नंबर पर आप कॉल करें, हम आपकी अवश्य सहायता करेंगे। तो दोस्तों, हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है एक मंदिर के बारे में। मंदिर का नाम है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। कहाँ पर स्थित है ये मंदिर? स्थित है महाराष्ट्र के गाढ़चिरौली जिले में। हुआ क्या है, ये जो मंदिर है इसके लगातार रिस्टोरेशन की कोशिशें चल रही हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। इसी मंदिर को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। तो दोस्तों, देखते हैं इसके बारे में। ये जो मंदिर है ये बेसिकली ऐसा कहा जाता है 9वीं सेंचुरी से 12वीं सेंचुरी के बीच में कहीं पर बना था। और ये एक मंदिर नहीं है, ये मंदिर का समूह है। बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर हैं और इस कम्प्लीट ग्रुप ऑफ मंदिर को कहा जाता है मार्कंडेश्वर महादेव। अब जब ये बने थे उस समय माना जाता था कि इसमें टोटल 24 टेंपल्स होंगे, यानी इस पूरे समूह में टोटल 24 टेंपल्स होंगे। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति अगर आप देखेंगे तो इसमें से कहा जाता है कि 18 टेंपल ऑलरेडी खंडर बन चुके हैं, तो अब सिर्फ 6 ही टेंपल्स यहाँ पे बचे हैं। अब अगर आप सोचें कि इसके रिस्टोरेशन की बात चल क्यों रही है, तो अगर हम लोग ASI के डेटा के हिसाब से जाएँ, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डेटा के हिसाब से जाएँ, तो उनके अनुसार दो बार इस मंदिर पे बिजली गिरी है। ऐसा हुआ है 1960 और 1980 में। बिजली गिरने की वजह से मंदिर में बहुत ज़्यादा टूट फूट हुई है, मंदिर के परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि वहाँ के लोकल लेवल पे मंदिर को वापस से रिस्टोर करने की कोशिश की गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो वो लोग ठीक नहीं कर पाए। जैसे कि आज भी वहाँ से पानी के रिसाव को रोका नहीं जा सका है। तो इसीलिए ये पूरी जो रिस्टोरेशन का प्रोसेस है इसको ASI ने अपने हाथ में लिया है और अब वो पूरे मंदिर की मरम्मत करने में, उसके रिस्टोरेशन करने में लगा हुआ है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखना है, ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं बेसिकली एक गांव में पड़ते हैं। ये जो गाँव है, इस गाँव का नाम था मारकंडा गाँव। इस मारकंडा गाँव में ये रहे ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जिनको यहाँ पे हमने मार्कंडेश्वर टेम्पल्स कहा है। और इसी के बगल से निकलती है एक नदी जिसको हमने कहा है यहाँ पे वेण गंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं, तो याद रखना है आपको वेण गंगा के किनारे ये स्थित हैं। अब इसके रिस्टोरेशन का जो वर्क चल रहा है ये 2017 से चल रहा है और इन मंदिर की वजह से ही उस जगह को एक नाम प्राप्त हुआ है। इनको मिनी खजुराहो कहा जाता है या फिर विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है। बात करते हैं अब मंदिर के नाम की। ये जो मंदिर है, अब आप सोचेंगे कि भाई इसमें तो बहुत सारे टेंपल्स हैं तो इसका नाम मार्कंडेश्वर टेंपल क्यों कहते हैं हम लोग? बेसिकली बात ये है कि वहाँ पर एक जो मेन टेम्पल है वो है भगवान शिव को डेडिकेटेड। उस टेंपल का नाम है मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। तो उसी टेंपल के नाम पे सभी ग्रुप ऑफ टेंपल्स को हम लोग मार्कंडेश्वर मंदिर कहते हैं। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि ये कौन कौन से फेथ से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है कि ये पूरा शिवजी को डेडिकेटेड है, तो यहाँ पे शैविज्म तो होगा ही, उसके अलावा यहाँ पे वैष्णविज्म भी है और शक्तिज्म भी है। और इनका जो आर्किटेक्चर है ये बेसिकली नगारा ग्रुप ऑफ टेंपल्स में आते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी टेंपल का आर्किटेक्चर होता है ये दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है नगारा ग्रुप ऑफ टेंपल्स, जो कि बेसिकली नॉर्थ इंडिया के जो भी टेंपल्स बनते हैं उनके आर्किटेक्चर को हम लोग नगारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। वहीं पे जो भी साउथ इंडिया में टेंपल्स बनते हैं उनके आर्किटेक्चर को हम लोग द्रविड़ियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में है यहाँ पर नगारा स्टाइल के टेम्पल्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमने आपको बताया कि यहाँ पे बिजली गिरी दो बार जिसकी वजह से बहुत सारा यहाँ पे नुकसान हुआ। हालांकि लोकल लेवल पे वहाँ के जो गोंड रूलर हैं उन्होंने इसको रिस्टोर करने की कोशिश की, पर अभी भी बहुत चीज़ें रिस्टोर नहीं कर पाए, जिसके तहत आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पूरा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया है और अब वो इसको रिस्टोर करने में लगा हुआ है। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग कुछ अवार्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि संगीत नाटक अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं।
तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि अभी कुछ मल्टीपल अवार्ड्स इस संस्था ने दिए हैं। ये जो अवार्ड्स हैं ये 1952 से दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे अगर आपने कोई बहुत हाई लेवल ऑफ़ वर्क किया हो, कोई आपने बहुत हाई लेवल ऑफ़ अचीवमेंट किया हो, तो आपको अवार्ड दिए ही जाते हैं। लेकिन साथ में अगर आपने किसी और व्यक्तिगत कार्य या फिर योगदान में कुछ ऐसा किया हो जिसको मान्यता देना ज़रूरी हो, तो उसको भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। अब इस पुरस्कार के तहत आपको क्या क्या दिया जाएगा? एक तो आपको ताम्रपत्र दिया जाएगा, उसके अलावा एक आपको अंग वस्त्रम दिया जाएगा, और साथ साथ इसमें आपको 1 लाख की धनराशि भी दी जाएगी। अब ये जो संस्था इस अवार्ड को देती है उसके बारे में जान लेना ज़रूरी है। ये भारत की पहली नेशनल अकेडमी है आर्ट्स के लिए, जो कि सरकार ने स्थापित की थी 1952 में। तो जब से ये इस्टेब्लिश हुई है तब से ही ये अवार्ड दिए चली जा रही है। ये एक सोसाइटी के तौर पर रजिस्टर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सोसाइटी के तौर पे जो भी संस्था रजिस्टर्ड होती है उसको एक अधिनियम का पालन करना होता है, वो अधिनियम है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1986 का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो पूरी संस्था है ये सोसाइटी के तौर पे रजिस्टर्ड है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके अलावा ये बाकी बहुत सारे विदेशी ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेट करती है, जैसे कि यूनेस्को, और वो उसके तहत कोशिश करती है कि हम अपने देश का कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट कर सकें और जहाँ जहाँ उसको संरक्षण की ज़रूरत है उसको संरक्षण भी दे सकें। अब अगर आप इसके अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे अवार्ड होता है फेलोशिप ऑफ अकेडमी, जो कि इसका मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है और सबसे रेयर है, बहुत कम लोगों को मिलता है। और अगर मैं बताऊँ कि एक समय में कितने या एनी टाइम की बात करें तो एनी गिवन टाइम में टोटल कितने लोगों को मिल सकता है ये, तो यहाँ पे 40 है जिस पे ये चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है। दूसरे टाइप के अवार्ड्स होते हैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड्स। इस साल 44 आर्टिस्ट को अलग अलग फील्ड में, जैसे कि म्यूज़िक, डांस, थिएटर, उसके अलावा अलग अलग आर्ट फॉर्म्स, उन सब में इनको अवार्ड दिया गया है। तीसरे टाइप के अवार्ड हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार। अब आप देखिए, इसमें पुरस्कार में ही लिखा है युवा पुरस्कार, तो इसको इस मकसद के साथ दिया जाता है कि जो भी यंग टैलेंट है हमारे देश में उसको आगे बढ़ाया जा सके, उसको एक रिकग्निशन दी जा सके अर्ली लाइफ में ही, जिससे कि वो आने वाले समय में और बेहतर कर पाए और वो जिस भी क्षेत्र में महारत हासिल करना चाहता है उसमें आगे बढ़ पाए। ये जो है सभी भारतीय नेशनल्स के लिए खुला हुआ है ये अवार्ड, और आपको लेकिन 40 साल के नीचे ही होना चाहिए। इसको पोस्टमॉर्टमली नहीं दे सकते, मतलब किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद उसको ये अवार्ड कन्फर नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग स्वदेशी भाषाओं पे बात करेंगे। यहाँ पे 2019 को अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं का वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है। अब इस चीज़ के बारे में थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक प्रशांत द्वीप में कुछ राष्ट्र हैं, उसमें से एक है पपुआ न्यू गिनी। ये आप ध्यान रखें, इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ लिविंग इंडिजिनस लैंग्वेजेस पाई जाती हैं पूरे विश्व में अगर आप कंपेयर करेंगे तो। और अगर मैं नंबर के टर्म से बात करूँ तो यहाँ पे करीब 840 इंडिजिनस लैंग्वेज पाई जाती हैं। भारत जो है इस रैंकिंग में चौथे नंबर पर स्टैंड करता है, क्योंकि भारत में अगर स्वदेशी भाषाओं की बात करें तो करीब 453 स्वदेशी भाषाएँ पाई जाती हैं। अगर पूरे एक रीजन की बात करूं मैं तो एशिया और अफ्रीका हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के लिए अकाउंट करता है। करीब पूरे विश्व में जो लैंग्वेजेस हैं उसको अगर मैं 100% की स्केल पर रखूंगा तो 70% से ज़्यादा जो लैंग्वेजेस हैं इंडिजिनस वो एशिया और अफ्रीका में ही आपको मिल जाएंगी। अब यूनेस्को की एक एटलस के अनुसार, जिसमें ये दिखाया गया है कौन कौन सी विश्व की भाषाएँ खतरे में हैं, उस एटलस के फिगर्स के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 228 भाषाएँ 1950 से अभी तक विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये बहुत चिंताजनक फिगर है और ये हमारा सारा फोकस डाइवर्ट करता है इस तरफ कि हमको अपनी इंडिजिनस लैंग्वेजेस को कंजर्व करने की ज़रूरत है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने फैसला लिया है कि वर्ष 2019 इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस के नाम से जाना जाएगा। उसी एटलस के अनुसार अगर मैं और आगे बढ़ूं तो करीब 10% ऐसी भाषाएं हैं जिनको वल्नरेबल कैटेगराइज किया गया है और 10% ऐसी है जिनको क्रिटिकली एंडेंजर्ड के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। भारत में 5 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो 1950 से अभी तक विलुप्त हो चुकी हैं और जो 42 हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड का तात्पर्य ये है कि अगर आपने अब उन पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले कुछ सालों में ये लैंग्वेजेस भी विलुप्त हो जाएंगी।
यानी कि खतरे के निशान के बहुत नज़दीक हैं ये। तो इसी सब को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है जिसके तहत हम लोग अपनी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट कर सकें, उनका संरक्षण कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया यानी स्पील करके ये योजना है, और भारत में जितनी भी मदर टंग्स हैं यानी मातृभाषाएं हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली फोकस उन पे किया जा रहा है जो 10,000 से कम लोगों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि आप समझिए ऑलरेडी वो कम लोगों द्वारा बोली जाती है तो इसीलिए उसका प्रचलन भी कम है, तो ऐसी लैंग्वेज पे खतरा ज़्यादा रहता है। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में इस तरीके की लैंग्वेज सबसे पहले होंगी जो विलुप्त हो जाएंगी। तो इसीलिए इस तरीके का प्रोग्राम हमारी केंद्र सरकार ने लॉन्च किया है जिससे हम लोग लैंग्वेजेस का संरक्षण कर पाएँ। इस प्रोग्राम के तहत डायलेक्ट्स भी कवर्ड हैं। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, तो मैसूर बेस्ड एक संस्था है जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। ये संस्था इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रही है। उसके अलावा यहाँ पे UGC ने भी एक कदम उठाया है, उसने सभी यूनिवर्सिटी से प्रपोजल मांगे हैं। उसने कहा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चाहती है कि उसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ देवनागरी लिपि की शुरुआत की जाए जिससे कि डायलेक्ट्स को प्रिजर्व करने में हम लोग सब अपना कुछ योगदान निभा पाएं। अगर मैं यूनेस्को द्वारा अपनाए गए मापदंडों के अनुसार चलूँगा तो कोई भी भाषा कब विलुप्त होगी, जब उसको कोई भी व्यक्ति ना ही बोलता है ना ही वो व्यक्ति याद रखता है, तो ऐसे में ये जो भाषा है ये विलुप्त हो जाती है। तो इसी वजह से जो यूनेस्को है उसने भाषाओं को कुछ कैटेगरी में लिस्ट किया है, जैसे कि पहला है वल्नरेबल, दूसरा है डेफिनेटली एंडेंजर्ड, तीसरा है सीवियरली एंडेंजर्ड और चौथा है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। यानी अगर खतरे का निशान यहाँ है इसके नीचे आ गया तो फिर वो एक्सटिंक्ट या फिर विलुप्त हो जाएगी। तो आप ये समझिए कि इसी ऑर्डर में है, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है वो खतरे के निशान के सबसे पास है, जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय है वो खतरे के निशान से थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में वो यहाँ लुढ़केगी और फिर वो नीचे चली जाएगी। जो सबसे ऊपर है जो कि वल्नरेबल है वो अभी खतरे के निशान से सबसे दूर है, तो उस पर आपको इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नीचे की दो हैं एटलीस्ट इनको तो बहुत ही ध्यान से आपको रखना पड़ेगा। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। इसमें हम लोग जयपुर के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर को फिलहाल में यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है, तो वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया है। अगर मैं पहली भारत की सिटी बोलूँ जिसको ये स्टेटस मिला था तो वो थी अहमदाबाद। वो भी बेसिकली अगर बात करें तो ओल्ड अहमदाबाद। तो वर्ष 2017 में ओल्ड अहमदाबाद को ये स्टेटस मिला था जहाँ पे उसको हेरिटेज सिटी घोषित कर दिया था। तो जयपुर को भी हेरिटेज सिटी मिला है, आप ध्यान रखिएगा, हेरिटेज साइट नहीं हेरिटेज सिटी। जैसे ही जयपुर को इसमें इंक्लूड किया गया तो उसमें जो नंबर हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में वो 38 तक पहुँच गए हैं, जिसमें 30 तो कल्चरल प्रॉपर्टी हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टी हैं और 1 है मिक्स्ड प्रॉपर्टी। अब आपको यहाँ पे मुझे बताना है ये मिक्स्ड प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी मिक्स साइट कौन सी है। भारत ने जयपुर का नॉमिनेशन प्रपोज किया था इस आधार पे कि वो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक सिटी प्लानिंग को दर्शाता है और बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन को भी दर्शाता है पूरे साउथ एशिया में। जयपुर आपको बता दूँ राजस्थान की पहले तो राजधानी है और ये महाराज सवाई जयसिंह टू द्वारा बसाया गया है। अब 2017 में कुछ ऑपरेशन गाइडलाइंस आई थी, उन गाइडलाइंस के आधार पे ये तय किया गया था कि हर साल एक राज्य से सिर्फ एक स्थान ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट या सिटी बनाने के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें, हर राज्य से सिर्फ एक स्थान ही प्रस्तावित किया जा सकता है, ऐसा 2017 की गाइडलाइंस के तहत जारी किया गया था। और ये जो स्टेटस मिला है जयपुर को हेरिटेज सिटी का, ये अभी 43rd सेशन में मिला है। ये 43rd सेशन कहाँ पे हुआ था यूनेस्को का, तो ये हुआ था अजरबैजान के बाकू में, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए रहेगा। उसके अलावा किस चीज़ का ये सेशन था, इसमें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी मिली थी, और इस कौन सा सेशन था, ये 43rd सेशन था। इसी सेशन में जयपुर को हेरिटेज सिटी के तौर पर घोषित किया गया है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब क्योंकि जयपुर को घोषित किया गया है तो जयपुर के बारे में पढ़ना भी हमारे लिए ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों ये एक फोर्टिफाइड सिटी है, इसको बसाया गया था सवाई जयसिंह टू द्वारा 1727 में, तो ये चीज़ ध्यान रखें। उसके अलावा यहाँ पे जो टाउन प्लानिंग है वो बड़ी शानदार है
आर्किटेक्चर भी बड़े शानदार हैं। ऐसा माना जाता है कि जयपुर में आप खो नहीं सकते। अगर आप किसी भी गली में जाएंगे तो ओवरऑल आप कहीं ना कहीं से घूम के एक कॉमन रोड पे निकल आएंगे। जयपुर का नक्शा इस तरीके से बना है कि सारी जो रोड्स हैं वो जाके अल्टीमेटली एक रोड पे कनेक्ट करती हैं। और उसके अलावा जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो मेन रोड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो यानी कि अगर आप मान लीजिए आप यहाँ कहीं हैं, आप खो गए, तो आप अगर इस तरीके से जाएंगे तो आप अपने आप इस रोड पे निकल आएंगे। तो इस तरीके सारी रोड्स जो हैं पूरे शहर को पैरेलली कनेक्ट करती हैं। यहाँ पे एक ग्रिड प्लान को भी इस्तेमाल में लिया गया है जो कि वैदिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। अगर आप सिटी की अर्बन प्लानिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो आइडियाज़ का आपको मिक्सचर दिखता है। सबसे पहले तो हिंदू आइडियाज़, साथ साथ यहाँ पे मॉडर्न मुगल आइडियाज़ का भी आपको मिक्सचर दिखता है। और इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो आपको यहाँ पे वेस्टर्न कल्चर्स का भी दृश्य देखने को मिल सकता है। जयपुर को एक कमर्शियल कैपिटल के तौर पर डिज़ाइन किया गया था और ये आज भी अपने कल्चरल ट्रेडिशन को संजो के रखे हुए है। अब हम चलते हैं एक फेस्टिवल की ओर। नाम है इसका खर्ची पूजा महोत्सव या फिर खर्ची फेस्टिवल। कहाँ का है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये त्रिपुरा का है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। न्यूज़ में इसीलिए है दोस्तों क्योंकि अभी जुलाई 2019 में ये फेस्टिवल त्रिपुरा में मनाया गया है। अब ये जो है ये एक वीक लॉन्ग फेस्टिवल होता है। ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए कि पूरे हफ्ते ये पर्टिकुलर फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है, ये चतुर्दश देवता मंदिर में या जहाँ पे 14 गॉड्स का टेम्पल है ओल्ड अगरतला में त्रिपुरा के अंदर, ये वहाँ पे मनाया जाता है। वहाँ पे करीब 14 भगवान की मूर्तियाँ, उन सभी को वर्शिप किया जाता है और साथ में हमारी धरती माता को वर्शिप किया जाता है। पूजा है उसको इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि हम मानते हैं हमारे जो भी बुरे कर्म हैं, जो पाप हैं, इस पूजा को करने के बाद वो सारे धुल जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 7 दिनों तक होता है। 14 हिंदू देवी देवताओं की पूजा यहाँ पे बड़े शाही तरीके से की जाती है। कौन कौन से देवी देवता हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अवधि या फिर जलदेव, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव, हिमाद्री या फिर हिमालय। यहाँ पे जो खर्ची वर्ड है इसका जो बेसिक जो मैं बताऊँ ओरिजिनेशन है वो ख्या वर्ड से लिया गया है। ख्या मतलब होता है पृथ्वी। तो इसमें मूल रूप से हम लोग पृथ्वी की पूजा करते हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस पूजा को जब हम करते हैं तो उसमें एनिमल का सेक्रीफाइस जो है वो मैंडेटरी है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम करते हैं जिसमें हम लोग जनरली या तो बकरे की बलि देते हैं या फिर कबूतरों की बलि देते हैं, तो या तो गोट या फिर पिजन। और ये जो पूजा है ये करीब हम लोग एक हफ्ते तक करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, ये रिवर साइद्रा के तट पे की जाने वाली पूजा है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। खर्ची फेस्टिवल जो है ये एक पूजा है। पूजा में क्या, पूजा देखिए 7 दिन की होती है। 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 14 आता है, यानी इसमें 14 गॉड्स की पूजा की जाती है। उसके अलावा ये जो खर्ची वर्ड है इसका ओरिजिनेशन जिस वर्ड से हुआ है उसका तात्पर्य होता है धरती, यानी धरती माता का इसमें बेसिकली पूजा की जाती है। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यह है आषाढ़ी बीज या फिर आषाढ़ी बीज, इंग्लिश में भी यही है और गुजरात में ये सेलिब्रेट किया जाता है क्या, बेसिकली ये कच्छ के न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है, यानी कच्छ का नव वर्ष है। यहाँ पे हम लोग बारिश के आगमन को सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ की एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटीज़ पूरे समय में इस तरीके के फेस्टिवल को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाती है। यहाँ पे गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और उनके साथ कई सारे वहाँ के जो रीजनल देवता हैं और देवी देवता हैं उन दोनों को ही पूजा जाता है। यहाँ पे होता क्या है, हम लोग एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉइस्चर को भापते हैं। उस मॉइस्चर को भापने के आधार पे ये सोचा जाता है कि कौन सा यहाँ पे क्रॉप उगाना सबसे बेस्ट रहेगा अपकमिंग मॉनसून में। कच्छ समुदाय है जो इस पर्टिकुलर त्यौहार को मनाता है और इस त्यौहार से हम लोग मॉनसून का पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहाँ पे है, ये इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा जाएगा आषाढ़ी बीज को मैच करिए, तो आपको ध्यान रखना है गुजरात में है। क्या है ये, गुजरात का न्यू ईयर के तौर पे मनाया जाता है। कच्छ समुदाय है वो मनाता है और इसमें हम लोग मॉनसून के पूर्वानुमान की कोशिश करते हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे फिर से एक्सकवेशन की बात हुई है, यानी खुदाई की बात हुई है। कहाँ पे है, किलादी में खुदाई की बात हुई है। अब इम्पॉर्टेंट है आपके लिए किलादी कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। दोस्तों जो अभी यहाँ पे तमिलनाडु में नए एक्सकवेशन हुए हैं, जो खुदाई हुई है उसके तहत ये मालूम पड़ा है कि जो संगम एज है उसका समय
जो कि पहले माना जाता था कि थर्ड बीसी एंड थर्ड एडी के आसपास है, वो नहीं है। अब वो माना जा रहा है खुदाई के बाद कि ये 6th सेंचुरी से 1st सेंचुरी AD तक कहीं वेरी कर सकता है। जो ये रिपोर्ट है उससे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके तहत ये बताया जा रहा है कि सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि द्वितीय नगरीकरण। तो यहाँ पे मैं सेकेंड अर्बनाइजेशन की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो पहला अर्बनाइजेशन था वो तो हमको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। तो उसके बाद जो दूसरा अर्बनाइजेशन की बात करें हम, तो वो ऐसा माना जा रहा है कि वैगई प्लेन्स में हुए थे, और कि ये जो किलादी साइट है ये बेसिकली इसी प्लेन्स में बिलोंग करती है। ये हुए कहाँ थे, तमिलनाडु में हुए थे, और इसका टाइम जो पीरियड बताया गया है वो है 6th सेंचुरी BC। साथ साथ यहाँ पे बताया गया है कि जो वैगई प्लेन्स हैं उसने लिटरेसी यानी कि पढ़ना लिखना और जो आर्ट ऑफ राइटिंग है ये सब कुछ 6th सेंचुरी BC में ही सीख लिया था, यानी इतनी जल्दी सीख लिया। और एविडेंस या फिर सबूत ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी की माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एग्रेरियन सोसाइटी की प्रेजेंस थी। उसके अलावा कैटल रियरिंग होती थी और वीविंग इंडस्ट्री भी थी, यानी यहाँ पे एक सोसाइटी पूरी की पूरी कृषि पे डिपेंडेंट थी। कैटल रियरिंग होती थी, पशु पालने होते थे और वीविंग इंडस्ट्री भी थी। हालांकि संगम एज के बारे में लगातार जो टाइम पीरियड है उस पे ही वाद विवाद चलते रहे हैं। अगर आप एक्सपर्ट्स की राय माने तो एटलीस्ट 3 डिवीज़न फिर भी हमारे सामने निकल के आते हैं। ऐसा माना जाता है कि या तो संगम पीरियड है ये वेरी करता है 5th सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी AD तक। दूसरा जो यहाँ पे थॉट है उसके हिसाब से 2nd सेंचुरी BC से 3rd सेंचुरी AD तक। और एक तीसरा थॉट है जो कहता है 10वीं सेंचुरी BC से 5वीं सेंचुरी BC तक। किलादी से बहुत सारे अलग अलग कंकाल प्राप्त हुए हैं। कंकाल जैसे कि गाय के, बैल के, भैंस के, भेड़ बकरी के, नीलगाय के, ब्लैक बक के, जंगली सुअर के और मोर के। तो इसी सब से हम लोग ये बात स्पष्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे समाज जो है कृषि कार्यों में मेनली लगा हुआ था और उसके लिए जानवरों का प्रयोग करता था। उसके अलावा और कुछ यहाँ पे अगर आप देखेंगे एविडेंस तो उससे ये पता पड़ा है पानी और खाद्य सामग्री के लिए बर्तन जो थे वो स्थानीय कच्ची मिट्टी से बने हुए होते थे। उसके अलावा वहाँ पे जो प्राप्त हुआ है वो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसके ऊपर आप इतना ध्यान ना दें, लेकिन ये चीज़ें कुछ इम्पॉर्टेंट है इसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। फिर यहाँ पे संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। देखिए जो संगम लिटरेचर है बेसिकली 3 चीज़ों से कंसिस्ट करती है। पहला है इसमें टोलकापियम, दूसरा है एतुतोकाई और तीसरा है पट्टू पट्टू। जो ये टोलकापियम है ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रामर है यानी व्याकरण है, और किसके द्वारा लिखी गई है तो टोलका पियर द्वारा लिखी गई है। ये बताती है कि संगम एज के दौरान वहाँ पे राजनीतिक कैसा माहौल था और उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक क्या सिनेरियोस थे। अब मैं दूसरे वाले पे बात करूँ एट्टुटोकाई, तो इसमें टोटल 8 अलग अलग वर्क्स आपको देखने को मिलेंगे। और फट्टू पट्टू में बात करेंगे तो यहाँ पे 10 अलग अलग लिटरेरी वर्क्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 2 बड़े बड़े एपिक्स हैं जिसमें से एक है शिल्पाथिकरम और दूसरा है मनी मेघलाई। तो ये जो नाम हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, संगम के साथ एसोसिएटेड हैं ये सारे नाम, और एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए किससे रिलेटेड है। जैसे मैंने आपको बताया टोलकापियम जो है ये व्याकरण है। उसके अलावा अगर आप एट्टुटोकाई देखेंगे तो यहाँ पे 8 वर्क्स हैं और पट्टू पट्टू में टोटल 10 लिटरेरी वर्क्स हैं। उसके अलावा 2 यहाँ पे बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसमें मैंने आपको बताया शिल्पाथिकरम और मनी मेघलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब संगम पीरियड से बिलोंग करते हैं, और जो बाद वाले ग्रंथ की बात की ये तो पोस्ट संगम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि टोटल 3 बार संगम हुआ है। संगम का क्या तात्पर्य है, संगम का तात्पर्य है आके मिलना। तो वही यहाँ पे भी इस तरीके से ही रखा गया है नाम, संगम के दौरान दूर दूर से बड़े बड़े कवि लेखक इन सबको बुलाया जाता था और ये लोग आके एक जगह पे बैठते थे, मीटिंग करते थे। आसान भाषा में आप इसी को संगम मान लें। तो ऐसे 3 बार हुए हैं, जो पहला संगम है वो फ्लरिश किया है मदुराई में, दूसरा वाला कपाड़पुरम में, और तीसरा पांडियन किंग्स ने करवाया है जो कि 3rd संगम के तौर पे मशहूर है, वो भी मदुराई में हुआ है। तो यानी पहला और तीसरा मदुराई में, दूसरा वाला हुआ है कपाड़पुरम में। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पे हम लोग 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है डिंडीगुल लॉक और दूसरी है कंडांगी साड़ी। दोनों ही तमिलनाडु की है और दोनों को अभी GI टैग हासिल हुआ है, इस वजह से ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया दोनों तमिलनाडु से है। डिंडीगुल लॉक जो है ये तो अपनी बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी लंबे समय तक टिकता है, ये टिकाऊपन के लिए और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है।
लोहे से बनाया जाता है और साथ में ब्रास का इस्तेमाल भी किया जाता है। बेसिकली हर एक लॉक का एक अलग पैटर्न होता है जिससे कि ना इजीली ये क्रैक ना किया जा सके। और डिंडीगुल जो सिटी है, पूरी शहर का नाम ही डिंडीगुल है, उसी के नाम पे पड़ा है डिंडीगुल लॉक। इस शहर को ही हम लॉक सिटी के नाम से जानते हैं। अब हम देखेंगे कंदांगी साड़ी के बारे में। इसका निर्माण होता है शिवगंगा जिले में, जो कि कराईकुड़ी तालुक में है। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात तो ये कपास यानी कॉटन से बनाई जाती है, उसके अलावा इसका प्रयोग होता है ग्रीष्मकाल में। ये जो कॉटन होती है, कपास होती है, हाई क्वालिटी कॉटन होती है और इसको कोयम्बटूर से मंगाया जाता है। इन सा जो साड़ियाँ हैं इनको हाथ से सिला जाता है, हाथ से बनाया जाता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। उसके अलावा कौन सा समुदाय इसमें इन्वॉल्व है, तो चेट्टियार समुदाय की महिलाएं इनको बनाने में इन्वॉल्व हैं। माफ़ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। बेसिकली यहाँ पे देवांगा चेटियार जो हैं, ये वीवर्स हैं, ये लोग इस साड़ी को बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं, तो वो चेटियार कम्युनिटी की महिलाओं के लिए बनाते हैं। तो ये चीज़ है, यानी देवांगा चेटियार जो हैं, ये वीवर्स हैं, ये बनाते हैं चेटियार कम्युनिटी या उसके उस समुदाय की महिलाओं के लिए। और इन लोगों को कहा जाता है नट्टू कोटाई चेटियार्स। ये साड़ी अपने खिलखिलाते और चमकदार रंगों के लिए जानी जाती है और वो लंबे समय तक टिकते हैं, जल्दी फेड नहीं होते। उसके अलावा यहाँ पे साड़ियों पे एक कंट्रास्टिंग बॉर्डर होता है। कंट्रास्टिंग मतलब अगर साड़ी हल्के रंग की है तो जो बॉर्डर होगा वो बहुत गहरे रंग का होगा, अगर साड़ी गहरे रंग की है तो बॉर्डर हल्के रंग का होगा। तो इस तरीके से कंट्रास्टिंग बॉर्डर के लिए जाने जाती हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर हम लोग टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल में हुआ ये है कि कर्नाटक सरकार ने ये अनाउंस किया है कि टीपू सुल्तान से जुड़े हुए जो भी चैप्टर्स हैं बच्चों की हिस्ट्री की किताब में, उन सबको किताब से हटाया जाएगा और टीपू जयंती को पब्लिक सेलिब्रेशन के तौर पे भी हटाने का एक प्रपोजल है। तो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टीपू सुल्तान के बारे में जानना। जो टीपू सुल्तान है वो बेसिकली मैसूर के राजा बने जब उनके पिता हैदर अली की मृत्यु हुई 1782 में, दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान। उसके बाद से टीपू की वीरता की वजह से उनको टाइगर ऑफ मैसूर की उपाधि हासिल हुई। बहुत ज़बरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट थे, अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाया करते थे। उन्होंने मदद की थी, बेसिकली मदद ली थी एक तो निज़ाम ऑफ हैदराबाद से और मराठाओं से चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में। यानी मेरा तात्पर्य है यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने मदद ली थी एक तो निज़ाम की जो कि हैदराबाद के हैं, और उसके अलावा मराठाओं की। और ब्रिटिश ने जो इन लोगों की मदद ली, इसकी वजह से ब्रिटिश का जब टीपू के साथ टकराव हुआ चौथा एंग्लो मैसूर वॉर में, तो उन्होंने टीपू को हरा दिया, क्योंकि सामने जो थी टोटल तीन अलग अलग सेनाएं थीं। और इसी के तहत टीपू की मृत्यु हो गई 4 मई 1799 को, जब वो अपने फोर्ट को डिफेंड कर रहे थे जो कि सेरिंगपट्टनम में है। जैसे ही टीपू की मृत्यु हुई, वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस को इम्पोज कर दिया, यानी उस राज्य पर सहायक गठबंधन को लागू कर दिया। और इसी के साथ जो मैसूर है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब तक टीपू रहे तब तक उन्होंने मैसूर को ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन नहीं होने दिया, लेकिन चौथी एंग्लो मैसूर वॉर में ब्रिटिश अपने साथ हैदराबाद को भी लाई और मराठाओं को भी लाई। इस वजह से टीपू अकेले टिक नहीं पाए और युद्ध में लड़ते लड़ते वो हार गए और फाइनली 4 मई को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद सब्सिडरी अलायंस इम्पोज कर दी गई, जिसकी वजह से मैसूर अब से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया, वो उसका क्लाइंट स्टेट बन गया। हालांकि टीपू का जो रोल है वो यहाँ ख़त्म नहीं होता। टीपू के बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट्स रहे हैं, बहुत उपलब्धियाँ रही हैं। सबसे पहले तो 17 साल की उम्र में महज उन्होंने राजनीति में अपना वर्चस्व जमाया और सैन्य मिशन को भी लीड किया। वे अपने पिता के दाहिने हाथ की तरह काम करते रहे सभी युद्धों में, जिससे हुआ क्या, जो हैदर अली थे यानी उनके पिता थे, वो दक्षिणी भारत में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभर गए। फिर उसके बाद कृषि में आधुनिकरण टीपू की कई उपलब्धियों में से एक है। उसके अलावा उन्होंने नेवी बिल्डअप की बहुत स्ट्रांग, जिससे कि उनके ट्रेड को सपोर्ट मिल सके। और उन्होंने कमीशन की एक स्टेट कमर्शियल कोऑपरेशन, जिससे फैक्ट्रीज की स्थापना हो पाए। वेस्टलैंड को डेवलप करने के लिए उन्होंने कई जगह टैक्स ब्रेक्स भी दिए, इरिगेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए, पुराने जो भी बांध थे उनको रिपेयर किया, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, सेरिकल्चर को प्रमोट किया। उनके शासनकाल में मैसूर में अत्यधिक उत्पादक कृषि और बहुत ही बढ़िया वस्त्र का निर्माण हुआ करता था, जिससे
मैसूर की आर्थिक शक्ति बढ़ती चली गई। उस समय मैसूर की जो औसत आय थी वो नॉर्मल से 5 गुना और ज़्यादा बढ़ गई थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल अपने दोस्त भी बनाए, जैसे कि फ्रेंच, आमिर ऑफ अफ़गानिस्तान, सुल्तान ऑफ टर्की, और ऐसा उन्होंने सोचा कि ये लोग जो हैं ये ब्रिटिश के साथ युद्ध में इनकी मदद करेंगे। उसके अलावा मैसूर में एक जैकुलिन क्लब है, तो उसके वो फाउंडर मेंबर भी रह चुके हैं। उन्होंने लिबर्टी ट्री प्लांट किया सेरिंगपट्टनम में, खुद को सिटीज़न टीपू डिक्लेयर कर दिया था, और उन्होंने पेटनाइज किया हिंदू टेम्पल्स को भी और प्रीस्ट को भी। उनको भी ग्रांट दिए और उनको अलग अलग तरीके गिफ्ट भी दिए, यानी कि वो धर्म निरपेक्ष थे, वो सेक्युलर थे। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो टीपू सुल्तान के तहत मैसूर के पास दुनिया के कुछ सबसे ज़्यादा वास्तविक मजदूर थे, और मैसूर का जो जीवन स्तर था वो बहुत अच्छा था। इनफैक्ट अगर ब्रिटेन से उस समय कंपेयर करेंगे तो ब्रिटेन से भी बेहतर था। तो ये कुछ अचीवमेंट्स रहे हैं टीपू सुल्तान के। क्योंकि ये न्यूज़ में है, ये सब अचीवमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा कि टीपू के जीवन में क्या अचीवमेंट रहे हैं, तो इससे आप एक अच्छा खासा आंसर फ्रेम कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मोहम्मद इकबाल की। न्यूज़ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक हेडमास्टर को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया, जब उन्होंने अपने बच्चों को या फिर अपने विद्यार्थियों को एक पोएम सुनाई, रिसाइट करी, जो कि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखी गई थी। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है आपको मोहम्मद इकबाल के बारे में जानना। हाँ, मोहम्मद इकबाल वही हस्ती हैं जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा ये शानदार कविता लिखी है। इसी को तराने हिंद भी कहा जाता है। इनको अलामा इकबाल भी कहा जाता था। ये जो पोएम थी ये पब्लिश की गई वीकली जर्नल में, जो कि नाम था जिसका एतिहाद 16 अगस्त 1904 को। इनका जन्म हुआ था सियालकोट पंजाब में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, और कश्मीरी ब्राह्मण थे ये। ये एक पोएट फिलोसोफर रहे हैं। इन्होंने फिलॉसफी ऑफ सेल्फहुड को प्रमोट किया है। इस्लामिक दुनिया के बौद्धिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण पे इन्होंने लगातार कार्य किए हैं। हालांकि ज़्यादातर इनकी जो लिखावट है, जो इन्होंने ज़्यादातर लिखे हैं अपने कार्य, उर्दू में लिखे हैं, लेकिन कुछ पर्शियन में भी लिखे हैं। एक इकबाल की कलेक्शन ऑफ पोएम्स आई थी जिसमें बहुत सारी पोएम्स थी। 1923 में इसको पब्लिश किया गया था। इसका नाम रखा गया था बैंगे धारा, यानी कॉल ऑफ द मार्चिंग बेल। इनके कुछ और भी यहाँ पे वर्क्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि जबूरी आजम, बाली जिब्रिल, मुसाफिर, मिस्ट्री ऑफ सेल्फलेसनेस, सीक्रेट ऑफ सेल्फ, असरार ई खुदी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। तो इस तरीके के कुछ इनके वर्क्स हैं। इन वर्क्स पे आप ज़रूर एक बार नज़र मार लें, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में सीधे इस वर्क को देख के पूछ लिया जाए किस पोएट द्वारा ये वर्क लिखा गया है। तो आपको याद रखना है इकबाल द्वारा लिखे गया है। अब 1930 की बात करते हैं। इकबाल ने एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस दिया था 25वें सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, जो कि अलाहाबाद में हुआ था। तो ये जो इन्होंने अभिभाषण दिया था इसको अलाहाबाद एड्रेस भी कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपने थॉट्स एक्सप्रेस किए थे इस्लाम पे, नेशनैलिटी पे। इन्होंने सोचा था कि भारत जो है वो एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने विचार व्यक्त किए। इसको कहा गया अलाहाबाद एड्रेस। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उन्होंने टू नेशन थ्योरी की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया। 1931-32 में इन्होंने सेकेंड और थर्ड दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में हुई थी, उनके आयोजन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये गए थे। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो है इन्होंने बेसिकली विजन दिया है कि पाकिस्तान का क्रिएशन होना चाहिए और एक टू नेशन थ्योरी होना चाहिए। तो इसीलिए इनको स्पिरिचुअल फादर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। लेकिन वहीं पे जिन्ना को कहा जाता है, उन्होंने पूरे विजन को शेप किया। यानी इनका तो आइडिया था, इन्होंने एक ऐसी चीज़ कह दी, एक फिलॉसफी दे दी, उसको एक्चुअली जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो जिन्ना द्वारा किया गया। तो इसी वजह से जब हेडमास्टर ने इनकी पोएम क्लास में रिसाइट की तो उन हेडमास्टर को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया, जो कि फ़िलहाल में हमारी न्यूज़ थी। अब हम चलते अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग नोबल प्राइज़ के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दो नोबल प्राइज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक तो नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर और दूसरा नोबल पीस प्राइज़, यानी साहित्य के ऊपर जो नोबल पुरस्कार मिला है और शांति पे जो नोबल पुरस्कार मिला है, दोनों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। शुरुआत करना चाहता हूँ मैं साहित्य नोबल पुरस्कार से। यहाँ पे स्वीडिश एकेडमी ने दो विनर्स अनाउंस किए हैं। अब आप सोचेंगे दो विनर्स क्यों? तो एक तो 2019 के तहत किया गया और एक 2018 के लिए किया गया था, क्योंकि पिछले साल ये अवार्ड नहीं दिया गया था।
किसको मिला है 2019 का, तो एक ऑस्ट्रियन ऑथर को मिला है जिनका नाम है पीटर हैंडके। उन्होंने अपना वर्क दिया है लिंग्विस्टिक इनजेन्युटी पे, जिसके तहत उनको इनोवेटिव लेखन और भाषा में नवीनतम प्रयोगों के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आप इनका नाम याद रखें और इनको क्यों पुरस्कार मिला ये भी याद रखें। ये जो लेखिका हैं ये सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, माफ़ कीजिएगा, लेखक लेखिका के साथ साथ एक दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता को भी यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। वो जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका नाम है ओल्गा टोकारजुक, जिनको 2018 में जो नोबल साहित्य पुरस्कार मिलना चाहिए था वो अभी कन्फर किया गया है। इन्होंने मैंस बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ भी जीता था 2018 में। अब बात आती है कि पिछले साल ये लिटरेचर का प्राइज़ क्यों नहीं दिया गया, तो 2018 में एक मी टू करके मूवमेंट चल रहा था, उसी के तहत ये 2018 वाला जो प्राइज़ है तब नहीं दिया गया और ये अब दिया गया है। तो दोनों नाम आप याद रखें, 2019 वाला तो पीटर हैंडके और 2018 वाला ओल्गा टोकारजुक। अब हम लोग बात करते हैं नोबल पीस प्राइज़ की या फिर नोबल शांति पुरस्कार की। 2019 के लिए ये प्राइज़ इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया है जिनका नाम है अबी अहमद अली। उनको दिया गया उनके एफर्ट्स की वजह से, जिसके तहत वो शांति और इंटरनेशनल कोऑपरेशन बरकरार रख पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत समय से इथियोपिया और साथ साथ एरिट्रा में बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। बहुत समय से ये दोनों ही जो नेशंस हैं ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, लेकिन फ़िलहाल प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली की वजह से ये जो रिलेशन थे वो सुधरे। जुलाई 2018 में करीब दो दशक से चले आ रहे इस युद्ध में इस दुश्मनी को प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद अली की वजह से ख़त्म कर दिया गया। इसी वजह से इनको इस बार नोबल पीस पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया था एरिट्रियन प्राइम प्रेसिडेंट के साथ, जिनका नाम है इसाइयस अफवर्की। तो इसी के तहत जब ये एक बार साइन कर दिया गया तो उनके बीच में अलग अलग तरीके के डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने की कोशिश लगातार की गई। उसके तहत ट्रेड रिलेशन वापस एस्टैब्लिश किए गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए, दोनों में ट्रैवल टाइज डेवलप हो गए। दोनों कंट्रीज से अब इधर से उधर आराम से ट्रैवल कर सकते थे। एक नया एरा शुरू हुआ पीस का, फ्रेंडशिप का। और बहुत समय से ऐसा देखा जा रहा था कि जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जहाँ पे बेसिकली चार कंट्रीज़ पड़ती हैं, तो उनमें से जो दो कंट्रीज़ हैं ये आपस में लगातार एक दूसरे की दुश्मन ही बनी रहती थी और इस एरिया में लगातार ब्लडी कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। लेकिन अब उसको रिजॉल्व करा दिया गया है और सारा श्रेय यहाँ पे जाता है इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर को, जिनका नाम है अबी अहमद अली। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोग उर्दू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये प्रपोज़ल रखा है कि उनको डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, जो कि इस तरीके का डिपार्टमेंट है, उसको मर्ज करना है एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, जो कि है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। यानी उर्दू के डिपार्टमेंट को वो मर्ज करना चाह रहे हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के स्कूल के साथ। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे प्रोटेस्ट शुरू हो गए और ये कहा गया कि भाई उर्दू जो है वो एक भारतीय भाषा है, आप उसको फॉरेन लैंग्वेज के स्कूल में कैसे डालना चाह रहे हैं। तो इससे बहुत बड़ा बवाल मच गया और इसी के तहत ये पूरी जो है खबर हमारे सामने आई। इम्पॉर्टेंट ये है कि हम उर्दू के बारे में जान लें। जो हमारे भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है उसमें से उर्दू एक है। 8वें शेड्यूल में या फिर 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं उसके तहत उर्दू एक है। इंडियन करेंसी पर लिखी हुई जो भाषाएं हैं टोटल 15 हैं, वो उसके तहत भी उर्दू एक है। ये ऑफिशियल लैंग्वेज है कई सारे स्टेट्स की, जैसे कि कश्मीर, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, न्यू दिल्ली और वेस्ट बंगाल। तो अब जब उर्दू इतना ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है भारत में, तो उसको फॉरेन स्कूल के साथ मर्ज करना तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट उठाएगा ही। उसके अलावा अगर आप उर्दू को देखेंगे तो ये हिंदी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। इसमें उसी तरीके का स्वर विज्ञान और उसी तरीके की व्याकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहा जाता है कि ओरिजिनेट हुई है करीब 6 से 13 सेंचुरी AD के आसपास और इवॉल्व हुई है भारत में। जो अगर आप हिस्टोरिकल एविडेंसेस पर जाएंगे तो वहाँ के हिसाब से आप ये पाएंगे कि उर्दू का जन्म हुआ है पंजाब में। उर्दू के कुछ मेन डायलेक्ट्स हैं जैसे कि देहलवी और रेखता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के लिए, इसको याद रखें। हालांकि उर्दू की जो स्क्रिप्ट है वो है पर्शियन, ये भी चीज़ याद रखनी है एग्जाम के लिए। लेकिन पर्शियन स्क्रिप्ट होने के बावजूद भी उर्दू जो है वो एक भारतीय भाषा है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी भारतीय भाषाएं हैं जिनकी स्क्रिप्ट देवनागरी ना होकर कोई और
दूसरी देश से या दूसरी कंट्री से डिराइव्ड है, जैसे कि पंजाबी शाहमुखी जो लैंग्वेज है वो भी राइट से लेफ्ट की तरफ ही लिखी जाती है। जैसे हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं, इस तरीके से लिखना शुरू करते हैं, यानी लेफ्ट से आप लोग राइट की तरफ लिखते हैं, लेकिन उर्दू में होता यह है कि उर्दू राइट से लेफ्ट की ओर लिखी जाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ देख लिया, पंजाबी शाहमुखी भी इसी तरीके से राइट से लेफ्ट ही लिखी जाती है। इसका लेकिन ये तात्पर्य नहीं है कि वो भारतीय भाषा नहीं है, वो भारतीय भाषा है, हालांकि उसकी स्क्रिप्ट कोई और है, देवनागरी स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन इसका तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि वो भारतीय भाषा नहीं है। तो यही सेम चीज़ अप्लाई होती है उर्दू पे, भले ही उसका जो स्क्रिप्ट है वो पर्शियन है, लेकिन फिर भी उसको हम भारतीय भाषा में ही गिनते हैं। उर्दू अपना जब अपने डेवलपमेंट के फेज पे थी, यानी जब उसका विकास हो रहा था, वो फ्लरिश हो रही थी, तब ऐसा माना जाता है कि दिल्ली ने एक अहम रोल निभाया है, और दिल्ली के आसपास के कुछ स्टेट्स जैसे कि हरियाणा, इसमें उर्दू बड़े अच्छे से डेवलप हुई है, बड़े अच्छे से फ्लरिश हुई है। साथ साथ कुछ सदर्न स्टेट में भी उर्दू अच्छे से डेवलप हुई है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए तेलंगाना। तो यानी उर्दू नॉर्थ में भी आपने देख ली, साउथ में भी आपने देख ली। जब उर्दू का इतना बेस स्ट्रांग है, तो फिर कैसे आप उर्दू का डिपार्टमेंट फॉरेन लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर सकते हैं? इसी वजह से ये पूरा आंदोलन हुआ, सारे प्रोटेस्ट हुए। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक में। यहाँ पे हम गुरु नानक देव जी के बारे में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल में उनकी 550वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है, इसीलिए इस बार बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि गुरु नानक देव जी के ऊपर एक सवाल आए आपके एग्ज़ाम में। ये हुआ कब है? 12 नवंबर 2019 को ये 550वीं जो जयंती है उनकी सेलिब्रेट की गई है। अब इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो ये सिखिज्म के पहले गुरु हैं, साथ साथ सिखिज्म के संस्थापक भी हैं। इनका जन्म हुआ था 1469 में, तलवंडी में हुआ था जन्म, जिसका स्थापना जो है वो एक ज़मींदार ने की थी जिसका नाम था राई भोए। बाद में तलवंडी का नया नाम रख दिया गया था राई भोए के ही ग्रैंडसन द्वारा, और अब उसका नाम है ननकाना साहिब। ये लाहौर के पास में स्थित है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि 1469 में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था तलवंडी में। 1499 में ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने एनलाइटनमेंट अचीव कर लिया, और उन्होंने भगवान का कॉल सुना और खुद को पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया ह्यूमैनिटी की सर्विस में। गुरु नानक देव जी एक दार्शनिक, एक समाज सुधारक, एक चिंतक और एक कवि के रूप में उभर के सामने आए। उन्होंने सदैव समानता की ओर लोगों को आगे बढ़ने को कहा, भाईचारे को प्रमोट किया, और एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे वो जहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने ये सारा मैसेज ले लेके प्रीचिंग टूर्स किए, जहाँ पे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और भगवान का मैसेज सब लोगों को सुनाया करते थे। वो स्प्रेड करने की कोशिश करते थे, प्रीच करते थे, और इस प्रीचिंग टूर को कहा गया उदासीस। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसको ध्यान रखें। इन्होंने इस तरीके की 5 उदासीस करी 1500 से लेकर 1524 तक, यानी 24 साल के अंतर्गत 5 उदासीस करी, यानी 5 प्रीचिंग टूर्स किए, जिसके तहत उन्होंने भारत का तो एक मेजर हिस्सा कवर कर ही लिया, उसके अलावा मक्का में ट्रैवल किया, श्रीलंका में ट्रैवल किया, और इनफैक्ट नेपाल में भी ट्रैवल किया। अपने लाइफ के बाद के वर्षों में, यानी लेटर ईयर्स में, उन्होंने करतारपुर नामक एक टाउनशिप को चुना और वो वहाँ पर सेटल हो गए, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था पंजाब में। अभी रिसेंटली हमने करतारपुर कॉरिडोर को इनॉग्रेट किया है, जो कि कनेक्ट करता है डेरा बाबा नानक साहिब गुरुद्वारा को, जो कि भारत के पंजाब में है, गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर श्राइन से, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में है, और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो करतारपुर कॉरिडोर है ये रावी रिवर के अक्रॉस बना हुआ है। अब जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे, जिसको ये करतारपुर कॉरिडोर कनेक्ट करता है, उस गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर श्राइन। तो इसका निर्माण का जो ऑर्डर है वो दिया गया था महाराजा और पटियाला द्वारा 1921 से 1929 के बीच में। फिर गुरु नानक देव जी का निधन 70 वर्ष की उम्र में हुआ, और उन्होंने अपने निधन से पहले भाई लेना को अपने सक्सेसर के रूप में अपॉइंट किया, जिनका नाम बदल के रखा गया गुरु अंगद। गुरु नानक की सभी कॉम्पोजिशन को गुरु अंगद ने कंपाइल किया, और उसमें उन्होंने अपनी नई स्क्रिप्ट ऐड कर दी, जिसको हमने गुरुमुखी कहा। तो कंपोजिशन गुरु नानक की, और भी कई सारे सिख गुरुओं की, और अलग अलग कई फिगर्स की राइटिंग, जैसे कि शेख फरीद की, संत कबीर की, भगत नामदेव की, कंपाइल करके एक जगह रखी गई। और वो कहाँ रखी गई थी? वो रखी गई थी गुरु ग्रंथ साहिब में, जो कि सिख धर्म में होली स्क्रिप्चर के तौर पे पूजी जाती है।
ज़्यादातर जो भी बायोलॉजिकल अकाउंट्स हैं गुरु नानक देव जी की लाइफ के, वो हम लोग जन्म सखी के तौर पे पढ़ सकते हैं। ये क्या है? ये है लिटरल बर्थ स्टोरीज़। तो आप ये चीज़ याद रखें, हो सकता है एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि जन्म सखीज़ किस धर्म के साथ संबंधित है, या फिर किन गुरु के आप यहाँ पे सभी चीज़ें पढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, गुरु नानक देव जी की हम सभी कथाएं यहाँ पे पढ़ पाते हैं, उनकी लाइफ से, उनकी बर्थ से रिलेटेड। तो ये जो राइटिंग्स हैं जो प्रोफेस करती हैं कि गुरु नानक की बायोग्राफी हैं, ये उनकी मृत्यु के कुछ समय बाद लिखी गई हैं। गुरु नानक देव जी एक आदर्श व्यक्ति थे, उन्होंने संत की तरह पूरे विश्व में कर्म का संदेश फैलाया। वो भक्ति के लिए निर्गुण रूप की शिक्षा दिया करते थे। इसके अलावा उन्होंने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामाजिक पूजा या फिर संगत के लिए कुछ नियम बनाए। अगर हम बात करें तो पूरे विश्व को गुरु नानक देव जी ने एक संदेश दिया। संदेश क्या था? नाम जपो, कीरत करो, वंड छको, जिसका अर्थ है ईश्वर का नाम लगातार जपते रहो, ईमानदारी और मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाओ, और जो कुछ भी कमाते हो उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांटो। और सिख धर्म में अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा दान दक्षिणा करते हैं, सभी लोगों की सहायता करते हैं वो लोग, और अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरीके से निर्वहन करते हैं। अब अगर हम लोग टीचिंग्स की तरफ ध्यान दें कि गुरु नानक की क्या क्या टीचिंग्स थी, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो निरंकार है, उनका कोई आकार तय नहीं है, तो आप निर्गुण भक्ति करो, आप फॉर्मलेस गॉड की भक्ति करो। दूसरी बात, जो भगवान है वो एक ही है, सबका मालिक एक है, और हर एक जीव जंतु में, हर एक छोटे से छोटे कण में भगवान बसा हुआ है, और जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो मनुष्य है, भगवान से वो डायरेक्टली कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं। इनके बीच में कोई साधु संतों को या फिर कोई प्रीस्ट को या फिर किन्हीं पंडितों को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिचुअल्स को लाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर बैठेंगे, भगवान में ध्यान लगाएंगे, अपने सच्चे मन से ये सब करेंगे, तो आप भगवान से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। गुरु नानक ने जो हिंदू का कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ बात करते हुए लोगों को समझाया कि जात पात के सभी थॉट्स बिल्कुल गलत हैं, जात पात के आधार पर हमको कुछ भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा मुगल शासकों का जो दिखावटीपन था, गुरु नानक देव जी ने उसकी भी निंदा की है। उन्होंने लंगर की शुरुआत की है, जिसके तहत वो उन्होंने कोशिश की कि समाज से बुराई को ख़त्म किया जा सके, और जो भी ज़रूरतमंद है उनको किसी न किसी रूप में, जो भी थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं, सेवा प्रदान की जाए। और ये जो लंगर था, इसमें अमीर गरीब छोटे बड़े कोई भी जाति के हो आप, कैसे भी हो आप, सब लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। तो यानी उन्होंने ये जो ऊंच नीच वाली जो पूरी परंपरा थी, इसी को समाप्त करने की कोशिश की। कई सारे और फिलोसोफर की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपने सारे सोशल कॉजेज, सारे सोशल कमिटमेंट छोड़ छाड़ के एकदम सन्यासी बन जाओ और सब कुछ छोड़ दो, सारी मोहमाया छोड़ दो, सीधे भगवान का जप करो। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, आपको आपके सामाजिक कार्य भी करने हैं, आपको आपके परिवार को देखना है, तो आप एक एक्टिव लाइफ जियो, अपने सोशल कमिटमेंट्स निभाओ, और फिर उसके बाद आप साथ साथ भगवान में ध्यान लगाओ। तो ये जो तरीका है, उनके हिसाब से ये सबसे सही तरीका था भगवान तक पहुंचने का, उन तक कनेक्शन बिठाने का। और जैसे कि हमने बात की है, गुरु नानक देव जी ने सिखिज्म के तीन स्तंभ की स्थापना की। सबसे पहले नाम जपना, फिर कीरत करना, और फिर वंद चकना। नाम जपने में हमने बात की थी, यहाँ पे आपको भजन, जप, गायन और भगवान का निरंतर स्मरण करना है। कीरत करनी अगर बात करें तो इसमें आपको क्या करनी है, ईमानदारी आपको बरतनी है, पूरे शारीरिक और सभी मानसिक प्रयास से आपको पैसा कमाना है, और वेदना और सुख बेसिकली दोनों ही ईश्वर के उपहार हैं, इनको आशीर्वाद समझ के आप स्वीकार करें। और फिर हम चलते हैं तीसरे वाले पे, वंद चकना, यानी कि सिखों को अपने समुदाय के भीतर अपने धन को साझा करना था, और जो भी ज़रूरतमंद है उनमें ये जो धन है इसको बांटना था, और ये जो धन है सभी एक साथ मिलकर इसका उपभोग करें। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे हम लोग संत तिरुवल्लुवर के बारे में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ रही थी, जब किसी ने ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया था जिसमें ये सैफ्रन कलर के अटायर में बैठे थे, यानी कि ऑरेंज कलर के, या फिर अगर मैं बोलूँ भगवा रंग के कपड़े पहन के बैठे हुए थे। तो इससे तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी एकदम से इरप्ट हो गई। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये समझना, थिरुवल्लुवर कौन थे, उनका क्या रोल है,
क्या इंपॉर्टेंस है उनके जीवन की। तो देखिए, सबसे पहले तो इनको वल्लुवर भी कहा जाता था। ये तमिल के एक साधु थे, सेंट थे, पोएट भी थे, फिलोसोफर भी थे। यूजुअली इनको दिखाया जाता है वाइट शॉल के साथ बैठे हुए। देखिए यहाँ पे इमेज हमने आपके लिए लगाई है, तो जनरली दिखाया जाता है कि वाइट शॉल के साथ ये बैठे हुए हैं। इनकी जो फिलॉसफी थी वो एंथ्रोसेंट्रिक थी, यानी कि ये जनरली फोकस किया करते थे जो हमारा पृथ्वी पे जीवन है। ये लोग उनमें से नहीं थे जो हेवनली अबोर्ड्स को एस्पायर करते थे, यानी कि स्वर्ग नर्क ये सब चीज़ें मानने वाले नहीं थे। ये धरती पे जो जीवन है उसको ही किस तरीके से बेहतर बनाएं, इस पे फोकस किया करते थे। अब अगर हम लोग उनकी कालावधि बताएं कि वो किस समय से किस समय तक थे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती रहती हैं। कई बार कहा जाता है वो तीसरी से चौथी, कई बार कहा जाता है कि आठवीं नवीं के आसपास। तो इस तरीके से हम लोग कुछ श्योरिटी से यहाँ पे कह नहीं सकते। जनरली उनको जैन धर्म से संबंधित माना जाता है, हालांकि हिंदुओं का कहना है कि तिरुवल्लुवर हिंदू धर्म से संबंधित थे। उन्होंने एडवोकेट किया, यानी उन्होंने लाइफ ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन के, आत्मसंयम की एक जीवन, शुद्धता, अहिंसा, संयम, शक्ति, इन सब के जीवन की वकालत की। यानी आपको ये सब अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने तिरुकुरल नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें टोटल 1330 कपलेट्स हैं। उसमें बताया गया है एथिक्स के बारे में, पॉलिटिक के बारे में, इकोनॉमिक मैटर्स के बारे में और लव के बारे में। तो यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि तिरुकुरल में किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है, क्या उसमें रिलीजियस अफेयर्स पे बात हुई है। तो आपको ध्यान रखना है उसमें कोई रिलीजियस बुक नहीं है, वो कोई धार्मिक किताब नहीं है। उसमें एथिक्स के बारे में बताया है कि क्या क्या आपको एथिक्स का पालन करना चाहिए, राजनीति के बारे में बताया है, आर्थिक समस्याओं के बारे में बताया और प्रेम भाव के बारे में बताया है। उन्होंने तिरुकुरल में ये चीज़ कही है और एक फ्रेज़ का इस्तेमाल किया है जिस फ्रेज़ को हमने यहाँ पे लिखा है आदि भगवान। यानी उन्होंने कहा है कि जो भगवान है वो हर जगह मौजूद है, छोटे से छोटे कण से लेकर बड़े से बड़े पहाड़ में हर जगह भगवान मौजूद है, यूनिवर्सल है। फिर अगर हम लोग तिरुकुरल के बारे में कुछ बात करें तो ये तमिल में लिखी गई एक किताब है। ये कोड ऑफ एथिक्स बताती है, ह्यूमन की क्या यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं उस बारे में बात करती है। ये एक नैतिक विचारों के ऊपर आधारित किताब है, आप ये समझिए। और यहाँ पे तीन हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। एक है आरम यानी कि राइटियसनेस, दूसरा है पोरुल यानी कि वेल्थ, संपत्ति, या फिर इबाम, इन्जॉयमेंट। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये लिखा हुआ पाएंगे, आराम जो है वो सद्गुण को डिपेक्ट करता है, या फिर यहाँ हमने पढ़ा राइटियसनेस को। पोरुल जो है वो संपत्ति को, या फिर यहाँ पे सरकार और समाज को डिपेक्ट करता है। और तीसरा कामम है जो कि प्रेम को या फिर इन्जॉयमेंट को डिपेक्ट करता है। यहाँ पे उसको इबाम भी कहा गया है, तो आप ये यहाँ पे ध्यान रखें। तो इनका बेसिकली अगर आप आइडियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे तो ये है कि अगर आप संपत्ति अर्न करना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ अर्न करना चाहते हैं, तो आप सही मार्ग के जरिए अर्न करें, कुछ उल्टा सीधा काम करके ना अर्न करें और सदैव सही मार्ग पर ही चलें। उसके अलावा उसमें लिखा है कि इन्जॉयमेंट जो है वो एक इमिनेंट भाव है, ये ऑलरेडी इम्बाइब्ड है, और अल्टीमेटली ये सब करने के बाद फिर आप एनलाइटनमेंट को प्राप्त करें। तो ये व्यू जो है वो सिमिलर है संस्कृत के ट्रेडिशन से, जो कि हम पढ़ते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म पे चल के आप पैसा कमाएं, कोई भी गलत काम ना करें, गलत राह ना पकड़ें, उसके अलावा आपके जीवन में प्रेम भी ज़रूरी है, और अल्टीमेटली फिर ये सब हो गया तो फिर आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ें। देखिए यहाँ पे तमिल की जो पुस्तक है उसमें ये कहा जाता है कि टोटल चार एस्पेक्ट होते हैं लाइफ के, आरम, पोरुल, इनबाम और चौथा होता है वेदु या फिर मोक्ष। लेकिन तिरुकुरल ने इनके शुरुआत के तीन ही एड्रेस किए हैं, मोक्ष को एड्रेस नहीं किया है, वेदु को एड्रेस नहीं किया, और कहा है कि भाई ये जो तीनों ये जो शुरुआत के तीन एस्पेक्ट्स हैं अगर आपने इनको अच्छे से फॉलो कर दिया तो चौथा यानी कि मोक्ष आपको अपने आप मिलेगा। जो मोक्ष तक रास्ता जाता है वो इन तीनों के थ्रू ही जाता है। और यहाँ पे ये जो तीनों चीज़ें हैं इनको बोला गया मुपल यानी कि थ्री एलिमेंट्स। सोसाइटी को किस आधार पे फॉलो करनी चाहिए चीज़ें, एक इंडिविजुअल सोसाइटी में क्या रोल प्ले करता है, कैसे उसको वहाँ पे एथिकली बिहेव करना चाहिए, इन सब चीज़ों पे भी तिरुकुरल बात करती है। किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप उठा के देख लें, पूरे विश्व भर में
आज भी ये किताब उसमें एकदम फिट बैठेगी, एकदम एप्ट उसका डिस्क्रिप्शन देगी। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमने किताब का चित्र लगा दिया, यही है तिरुकुरल और यहाँ पे तिरुवल्लुवर बैठे हैं। फिर हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। यहाँ पे तीन यूरोपीय यात्रियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों आया? क्योंकि अभी अभी अयोध्या का जजमेंट आया था। अयोध्या केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तीन यूरोपियन ट्रैवलर्स के नाम लिए हैं, जिसमें पहला नाम है जोसेफ टाइफेंथलर, दूसरा है विलियम फिंच का और तीसरा है मॉन्टोगोमेरी मार्टिन का। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है इन तीनों के बारे में हम पढ़ें और देखें कि इनके क्या रोल्स रहे हैं भारत में, कहाँ कहाँ इन्होंने ट्रैवल किया है, क्या क्या इन्होंने इम्पॉर्टेंट किया है जो कि हमारे एग्ज़ाम में आने योग्य है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जोसेफ टाइफेंथलर की। ये 18 सेंचुरी में भारत में आए हुए एक मिशनरी हैं जो इटली से आए थे। इन्होंने भारत में करीब 27 साल यात्रा की है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने अपनी वेधशाला में इनको कमीशन किया था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। बाद में आगरा के जेसुई कॉलेज में भी इनके अटैचमेंट्स पाए गए हैं। 5 वर्ष ये अवध में भी रहे हैं और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन हिस्टोरिक्विट ज्योग्राफिक्यू डेल इंडे, जहाँ पे इन्होंने अपने अयोध्या में जो इन्होंने यात्रा की है और जो इन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किए हैं उसको सब कुछ यहाँ पे लिखा है। फिर हम चलते हैं यहाँ पे दूसरे ट्रैवलर की तरफ जो कि है विलियम फिंच। कहा जाता है कि भारत में अराइव किए 1608 में, सूरत में अराइव किए थे जब सर विलियम हॉकिंस सूरत पहुँचे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव बन के। तो उनके साथ ही नाव में बैठ के ये भी आए थे। कहा जाता है कश्मीर के बारे में जो सबसे पहला इंग्लिश लैंग्वेज में अकाउंट दिया गया था वो इनके ही द्वारा दिया गया था और साथ साथ इन्होंने बताया था क्या ट्रेड रूट्स हैं पंजाब को जो ईस्टर्न तुर्किस्तान और वेस्टर्न चाइना के साथ कनेक्ट करते हैं। फिंच भी अयोध्या गए, उन्होंने विजिट किया 1608 से 1611 के बीच में। हालांकि उस समय उन्होंने कोई भी ऐसी बिल्डिंग वहाँ पे नहीं पाई जो कि इस्लामिक ओरिजिन की थी और बहुत इम्पोर्टेंट थी। इनके जो अकाउंट्स हैं भारत में वो रिकॉर्ड किए गए 1921 में। इनकी एक जो बुक लॉन्च की गई थी अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया 1583 to 1619, और ये एक हिस्टोग्राफर ने किए थी जिनका नाम था सर विलियम फॉस्टर। तीसरे यहाँ पे है मॉन्टोगोमेरी मार्टिन। ये एक एंग्लो आयरिश ऑथर थे और सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने मेडिसिन प्रैक्टिस की सेलोन या फिर आज की अगर मैं बात करूँ श्रीलंका में, ईस्ट अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद ये काम करने वापस गए कोलकाता, जहाँ पे इन्होंने हेल्प किया बंगाल हेराल्ड के फॉर्मेशन के लिए जो कि एक न्यूज़पेपर था। फिर उसके बाद ये वापस इंग्लैंड की तरफ रिटर्न हो गए। इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के बारे में लिखा है। इनकी जो किताब है वो 3 वॉल्यूम में है। उसका नाम है हिस्ट्री एंटीक्स एंड टोपोग्राफी एंड स्टैटिस्टिक ऑफ ईस्टर्न इंडिया। बेसिकली इन्होंने ईस्टर्न इंडिया यानी कि कोलकाता के आसपास की चीज़ें लिखी हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि उस समय वर्शिप की जाती थी लॉर्ड राम की अयोध्या रीजन में, तो यानी कि श्री राम के बारे में लिखा है। और ये भी लिखा है कि टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, उनको तोड़ दिया गया और उनकी जगह मस्जिदें बनाई गई थी। तो दोस्तों हम अपने आज के डिस्कशन में यहीं तक के टॉपिक्स रखेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आगे के टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस डिस्कशन से आपको हेल्प हो रही होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत हो रहे होंगे। आप पूरे लेक्चर में मेरे साथ बने रहे इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।